दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका का जो इंडिया का टूर होने वाला है, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा 3 T20 मैचेज होंगे, उसके अलावा ODI मैचेज भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो जो 3 T20 मैचेज होने वाले हैं वो जो है फुल स्क्वाड के साथ इंडिया और वेस्ट जो साउथ अफ्रीका है दोनों जो है वो प्ले करने वाले हैं। तो किस तरीके से मैसेज हो सकता है, क्या क्या जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अभी तक जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और आप चाहते हो कि विनर सेशन इंटर में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट बनाते हैं, जो है व्हाट्सअप का नंबर है आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। और साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे से जो है प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है अपनी वो जो है आप स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी तक आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो है फर्स्ट मैच होगा, और ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि खेला जाएगा आपको वेडनेसडे को 28 सितंबर को। टाइमिंग जो होगा वो 7 PM होगा इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और ये जो वेन्यू हो रहा है वो होने वाला है बिल्कुल साउथ में। आप देखोगे तो आपको जो है ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि तिरुवनंतपुरम में जो है मैचेज नहीं हुए, तिरुवनंतपुरम में मैचेज जो है बहुत सारे हुए हैं। हम देखेंगे कौन कौन से मैचेज जो हुए हैं और किस तरीके से जो है इम्पेक्ट पड़ा है, तो उसका जो है आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम ग्रीन फील्ड के बारे में बात करते हैं, ग्रीन फील्ड आप तिरुवनंतपुरम में देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा तिरुवनंतपुरम जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे है, इंडियन ओशन के किनारे है। अब जो चीज़ बिल्कुल इंडियन नेशन के किनारे है, तो आप देखोगे कि ऐसा कैसा जो है फील हो सकता है। तो आप इस ग्राउंड को जो है कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपको देखने को मिलता है कि जिस तरह का ग्राउंड जो आपको मुंबई में देखने को मिलता है वानखेड़े में, उसी तरह का जो है ग्राउंड आप इसे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है हार्श वहाँ थोड़ा सा ग्राउंड रहता है, हार्श इन द सेंस थोड़ा सा जो है स्विम ज़्यादा होता है, नमी जो है ग्राउंड में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और समुंदर के आसपास होने के कारण भी क्या होते रहते हैं कि वहाँ पर जो है वो हल्का सा बारिश के चांसेस भी जो है थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। मौसम जो है वो नॉर्मली रहता है, आपको पता ही होगा कि समुद्र के किनारे जो है मौसम काफ़ी नॉर्मल सा रहता है, आपको जो है ना वहाँ ज़्यादा ठंडी फील होगी ना ही ज़्यादा गर्मी फील होगी, और नमी भी जो है उतने ज़्यादा नहीं रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो मैसेज हो सकता है। दो मैसेज जो यहाँ पर हुए हैं आप देखोगे कि एक जो है फर्स्ट बैट जीता है, एक जो है सेकंड बैट जीता है। जो फर्स्ट बैट जीता है वो जो आपको दिन में कि इंडिया जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था कि 170 रन जो है बनाया था 7 विकेट के नुकसान पे T20 में, और उसके अलावा आप देखो जो दूसरा मैच हुआ था उसमें काफ़ी कम रन बने थे, 60 रन जो है बने थे, जो कि आराम से चेस हो गया था। और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर जो है बारिश जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो वो रीज़न के कारण जो है वहाँ पर थोड़ा सा कम ओवर के मैचेज जो है खेला गया था, जिसके कारण जो है वो एवरेज जो है इस ग्राउंड का आप देखोगे तो काफ़ी गिर गया है, 100 जो है वो 18 हो गया है उस रन के कारण। अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्या क्या जो है सीनरियो बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैसेज होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, और आप मैसेज जो है वो बारिश के चांसेस अभी बिल्कुल 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा, 22 से 20% के आसपास, यानी कि मैसेज जो है पूरा होने के चांसेस है कि 20 ओवर जो खेला जाएगा। और जिस तरह का ग्राउंड है आप फर्स्ट बैट को जो है इंजॉय कर सकते हो, सेकंड बैट को इंजॉय कर सकते हो, बस बारिश जो है वो थोड़ा सा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, बाकी बहुत ही बढ़िया से जो है मैसेज होगा। इसके अलावा बात करें टॉस करते हैं, इंडिया के ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीत जो है पहले बॉलिंग करने की कोशिश जो है यहाँ पे करेगा। टीम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, इंडिया में जो है रोहित शर्मा लीड करेंगे, इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार को जो है वो रेस्ट दिया गया है इस सीरीज से, और इसके अलावा जो है सीधा वर्ल्ड कप में आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जो है मोहम्मद शमी और चहर जो है ये दो जो है वो अवेलेबल रहेंगे बाकी जो स्क्वाड है उसके साथ। तो यहाँ पे देखना होगा कि जो है भुवनेश्वर को हम सभी जो है देख रहे हैं एशिया कप से, उनका 19th ओवर और 18th ओवर जो है बहुत ही ख़राब जा रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया इनके बारे में सोचेगा, शमी और चहर में से कोई बहुत ही अच्छा करता है। लेकिन सभी जो है वो हालांकि अभी जो है ये T20 स्क्वाड में नहीं है, 15 अक्टूबर से जो है पहले पहले आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद जो है आप चेंज नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका की तरफ सब देखोगे तो थेमा बम्मो जो है लीड करेंगे, और इनका सारा स्क्वाड अवेलेबल है, एक रसिब एंडरसन को जो है छोड़ के जो कि अवेलेबल नहीं है इस टूर के लिए। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग इंडिया की तरफ से देखते हैं प्लेइंग 11, तो इंडिया का प्लेइंग 11 जो है ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। एक चेंजेस जो यही होगा कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा कि या तो हर्षल पटेल जो है वो बॉलिंग करते रहेंगे, या फिर शमी और चहर जो है ये दोनों को चांसेस मिलेगा, तो ये जो है यही चेंजेस होने वाला है। बाकी जब देखोगे तो ज़्यादा चेंजेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। और आपको किस को पिक करके चलना है तो आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इसके अलावा जो है रोहित शर्मा, सभी जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो आप पिक करके चल सकते हो। तो ये जो है आपके लिए जो है ये अच्छा सा जो है ऑप्शन रहेगा, जो हम डीम 11 टीम अभी बनाएंगे तो देखेंगे। बॉल साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है अभी जो इनका रिसेंट के कुछ मैचेज हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने मैचेज जो है खेले हैं, इंग्लैंड से खेला था, इसके अलावा आयरलैंड से खेला था, तो काफ़ी अच्छे से जो है मैचेज इन्होंने खेले हैं, और एक अच्छा सा जो है कंपटीशन इन्होंने अपोजिशन टीमों को दिया है। और अभी जिस तरह का सीनरियो है काफ़ी अच्छे जो है फॉर्म इनके प्लेयर है, जैसे एडम अक्रम, डेविड मिलर, इसके अलावा जो है आपको देखने मिलेगा क्वेंटन डिकॉक, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, हैनी क्लासन का फॉर्म भी जो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसके अलावा जो इनका बॉलिंग अटैक है वो भी जो है आप देखोगे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक देखने को मिलेगा, एंड्रीज नोसिया, कविशोर अबाडा, इसके अलावा आपको केशव महाराज,
और थपरे शमसी या फिर इसके अलावा जो है आपको नुंगी नगेटी भी जो है वो दिखाई देंगे या डॉन पेट्रिस जो है वो दिखाई देंगे। तो ये जो है एक बहुत ही तगड़ा सा जो है बॉलिंग या जो है इम्पैक्ट आपको भी जो है देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका की तरफ से, और ये मैच में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं कि दोनों टीमों का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो आप देखोगे इंडिया जो है रिसेंट 5 मैचों में से 3 जीता है, 2 हारा है, और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो रिसेंट 5 मैचों में से 4 लगातार मैचेस जीते हुए आ रहे हैं, 1 जो है ये हारे हैं। और हेड टू हेड बात करते हैं इंडिया के साथ, आप देखोगे टोटल जो है 19 मैचेस दोनों टीमें खेली है जिनमें से 11 इंडिया जीता है, 8 जो है आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका जीता है। और ड्रीम इलेवन टीम की हम भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट कमाने की अपनी जर्नी है वो जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम का, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करते हैं कि ड्रीम इलेवन टीम में किसको जो है लेके चलना है, तो आप देखोगे कि अभी हम विकेट कीपर की बात करते हैं तो इसमें जो है क्वांटन डिकाओ का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ऐसे भी जब ओपनिंग करने आते हैं तो आपको जो है पी के चलना चाहिए ऐसे बॉलर्स को। इसके अलावा बात करते हैं अगर बैटिंग में, तो बैटिंग में आप देखोगे तो रोहित शर्मा का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इसके अलावा रिजा हैंनरिक्स और इसके अलावा टेम्बा बुम्बा का फॉर्म भी जो है अच्छा है, मिलर का फॉर्म भी अच्छा है, इसके अलावा केएल राहुल विराट कोहली भी जो है ये बच जाते हैं। तो अगर आप इनमें से जो हो कोई एक ओपनर लेते हो तो आप या तो रोहित शर्मा को लेना या फिर केएल राहुल को लेना है, इसके अलावा विराट कोहली को आप पिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल जो है वो आपके ऊपर है, फॉर्म बहुत ही अच्छा है विराट कोहली का। तो हम लोग जो है एक रोहित शर्मा को अभी जो है वो ड्रॉप करके विराट कोहली को यहाँ ले लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बैटिंग में, तो बैट ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में हमने जो है यहाँ पे अक्षर पटेल को लिया है, एडम अक्रम को लिया है, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे डॉन पेट्रियस को जो है वो आप ले सकते हो या आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर रहेंगे तो प्लेइंग में तो आप लेके चलोगे तो इंडिया के ग्राउंड पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये होते हैं, और ये आपने आईपीएल में भी देखा होगा, बाकी जो मैचेज होते हैं उसमें भी देखा होगा। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग जो है यहाँ पे हम लोग जो है बुमराह को लेते हैं, इसके अलावा जो हमने यहाँ पे रबाडा को लेते हैं, या फिर इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो है वो आप शमी को पिक कर सकते हो बुमराह की जगह, या फिर जो है रबाडा की जगह जो है आप नखिया को पिक कर सकते हो, और एक जो हमने यहाँ पर ले लेते हैं तबरेज़ शमसी को, तो शमसी का परफॉर्मेंस भी जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा रहा है तो हम लोग पिक कर ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप बाकी जो प्लेयर बचता है उसमें से जो है हर्षल पटेल को ले सकते हो या फिर शमी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो ये जो है आपके लिए एक अच्छा सा जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे टीम प्रीव्यू का, तो ये जो है उससे पहले हम देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन के तौर पे जो है आप यहाँ पे अक्षर पटेल को बहुत सारे लोग बना के जाएंगे और जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं तो वो डिजर्व भी करते हैं। इसका वाइस कैप्टन के तौर पर हम लोग जो है सूर्य कुमार यादव को या विराट कोहली को या फिर एडम अक्रम को जो है बना के चल सकते हो, उनका परफॉर्मेंस भी जो है इंडिया में काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से आप देख सकते हो टीम प्रीव्यू और इसी हिसाब से आप कोई भी लीग जो है वो खेल सकते हो। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।